Now in this lecture we will study synthesis of phenol by cumene process. तो पहले तो हम simple procedure देखेंगे कि किस तरह से phenol मिलता है according to NCERT textbook. और बाद में हम detail में पढ़ेंगे कि mechanism क्या है जो आपकी NCERT की text में दी नहीं गई है. लेकिन आप यदि GET main और advanced level की preparation करें या NEET में अच्छा score पाना चाहते हो तो mechanism को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा. तो चलो start करते हैं. क्यूमिन प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल. तो पहले तो हमें बेंजीन में से स्टार्ट करते हैं. बेंजीन की रिएक्शन होती है प्रोपीन के साथ. सो फर्स्ट वी हैव टेकन अ बेंजीन इन वन क्लोज कंटेनर. इट अलाउड टू रिएक्ट विथ अ प्रोपीन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2. रिएक्शन का टेम्परेचर होगा 523 केल्विन इन क्लोज वेसल्स. When we heat this thing, then by reaction in between these two, a bond break hoga. This carbon will join with a this pi bond will break. Hydrogen from benzene ring will shift on this carbon atom. So as a result, we get this type of structure. तो उसको हम बोलते हैं isopropyl benzene. The first आइसोप्रोपाइल बेंजीन में मिलता है जिसको हम क्यूमिन कॉमन नेम से पहचानते हैं. सो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आइसोप्रोपाइल बेंजीन. नाउ व्हाटएवर आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑब्टेन टू अस इट इज आल्सो नोन एज ए क्यूमिन. नाउ दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज अलाउड टू रिएक्ट विद 5% एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट. इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन जस्ट वी पास ऑक्सीजन गैस और एयर. When we pass air from this solution, in presence of 5% aqueous solution of sodium carbonate, then we get cumene hydroperoxide. So this structure is obtained to us, which is known as a cumene hydroperoxide. तो चलो लिख लेता हूँ मैं. It is known as cumene hydroperoxide. Now this is unstable structure. So when we do acidification of these solutions in presence of dilute HCl or acidifications in the presence of concentrated sulfuric acid or hydrochloric acid भी ले सकते हैं, then we get this type of structure. Hydroxyl group attached with phenyl ring and as a result we get first phenol. And with this phenol we get a most important byproduct. Acetone and formula of acetone CH3 is COCH3. So by using this method one can prepare phenol and we get byproduct acetone. So by using this method one will get a pure phenol. Isme impurity kam hai, acetone hai wo most important byproduct hai aur liquid format mein hai. Boiling point kam hai to easily evaporate kar sakte hain. Tab question hoga ki is process mein phenol kis tarah se banta hai. The most important thing is mechanism for preparation of phenol. Mechanism. तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से क्यूमिन. तो क्यूमिन के स्ट्रक्चर में हमें कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन है और दो मिथाइल ग्रुप में एमई के फॉर्मेट में लिखता हूं. एमई मीन्स मिथाइल ग्रुप. तो आपको पता चल जाएगा भाई चलो एमई है यानी मिथाइल ग्रुप CH3 है. अब यहां पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जब इसमें से हम एयर पास कर सकते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की होमोलाइटिक क्लीवेज होगी. तो होमोलाइटिक क्लीवेज से हमें फ्री रेडिकल मिलेगा. होमोलाइटिक क्लीवेज से हमें फ्री रेडिकल मिलता है. कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया तो ये हमें फ्री रेडिकल मिला. तो ये हमें कार्बन फ्री रेडिकल यहां पर मिलता है और मैं मिथाइल लिख देता हूं CH3CH3. अब इस सॉल्यूशन में से हमने एयर पास की है. एयर में ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड सेकंड इज पाई. तो उस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी. फ्री रेडिकल जनरेट होगा. ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा. दोनों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे. अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनेगा. दोनों के पास
ऑक्सीजन के पास भी और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, तो हमें इस तरह से क्यूमीन फ्री रेडिकल प्राप्त होगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड और यहां पर फ्री रेडिकल, यहां पर मिथाइल हमें मिल जाएगा। अब सॉल्यूशन में हमारे पास फ्री रेडिकल तो है ही H का, तो H का फ्री रेडिकल के साथ हमें मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो चलो ये स्ट्रक्चर के पास तो हम पहुंच ही गए। तो ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था कि किस तरह से हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है। तो पहले से रिपीट कर देता हूं इतना पार्ट कि चलो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच होमोलाइटिक क्लीवेज हुई, मैं यहां पर लिखता हूं ये क्लीवेज है वो होमोलाइटिक क्लीवेज हुई। नाउ ड्यू टू दिस होमोलाइटिक क्लीवेज वी गेट अ फ्री रेडिकल ऑन कार्बन। अब उसमें से हमने ऑक्सीजन गैस यानी एयर पास की, तो ऑक्सीजन के बीच भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी एंड कार्बन जॉइंट विद ऑक्सीजन और वी गेट अ पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। नाउ दिस पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जॉइंट विद दिस H free radical and as a result we get cumene hydroperoxide। अब हम solution को acidify करते हैं, तो जब भी हम solution को acidify करते हैं तो acid वाला oxygen है, यह oxygen है उस पर यह proton easily attack कर सकता है, तो oxygen की electron pair to this hydrogen and it remove in the form of water molecules। तो ऑक्सीजन गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू दिस, सो दिस ऑक्सीजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल ब्रेक, दिस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड वीक है इट विल ब्रेक, इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी टेकन बाय दिस ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन दिस ऑक्सीजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। तो OH और H के साथ मिलकर ये वाटर की तरह एलिमिनेट हो जाएगा और यहां में मिलेगा कार्बन with this oxygen having a positive charge, oxygen have given electron pair to this oxygen, तो अब हमें oxygen पर positive charge मिलेगा, this structure is unstable, तो उसको stability प्राप्त करनी है, तो stability प्राप्त करने के लिए here shift occurs, this phenyl ring with electron pair migrate on oxygen, तो उसको हम बोलते हैं phenyl shift, तो here फिनाइल शिफ्ट होगी। अच्छा तो चलो आपको समझ में आ गया कि चलो किस तरह से फिनाइल शिफ्ट हुई, ये फिनाइल रिंग विथ इलेक्ट्रॉन पेयर माइग्रेट ऑन ऑक्सीजन, तो अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। नाउ हियर ऑक्सीजन जॉइंट विथ ए कार्बन ऑफ फिनाइल रिंग, नाउ हियर कार्बन अटैच एंड विथ दिस कार्बन देयर इज ए 2 मिथाइल ग्रुप, और अब इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, हमारा सॉल्यूशन एक्वियस है, ये ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन है, तो अब कार्बोकेटायन क्या करेगा कि चलो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कार्बन को और उसके साथ बनाता है बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर हमें इस तरह से मिल जाएगा कि चलो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया कार्बन, कार्बन पे वाटर मॉलिक्यूल जॉइंट हुआ OH पॉजिटिव चार्ज और यहां पर दो मिथाइल ग्रुप एज इट इज। अब यहां से इस ऑक्सीजन पर से एक हाइड्रोजन लेफ्ट हो जाएगा विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो हमें मिलता है इस तरह का स्ट्रक्चर। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन हैविंग ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड Here two methyl group is present on this carbon। अब यहां से आगे intermolecular hydrogen shift होगी। intermolecular hydrogen shift किस तरह से होती है कि आपने देखा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन विल टेक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस कार्बन। अब ये क्या करेगा कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर मिला, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हमें पहली बाय प्रोडक्ट मिल जाएगी CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 जिसको हम बोलते हैं एसीटोन, और
ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन ये हाइड्रोजन यहां से इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुआ और हमें मिला फिनोल, बेंजीन रिंग विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ये हो गया हमारा मेन प्रोडक्ट फिनोल हमें प्राप्त हो गया। तो एक बार रिपीट करता हूं किस तरह से हुआ, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, वी कैन राइट दिस थिंग एज ए हाइड्राइड और इंटरनल हाइड्रोजन शिफ्ट, इसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट, वी कैन राइट दिस थिंग एज ए इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट। तो यहां इस मैकेनिज्म में दो जगह पे शिफ्ट हुई, एक फिनाइल शिफ्ट हुई और सेकंड इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट हुई। किस तरह से होती है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ऑक्सीजन है उसमें से ही हाइड्रोजन छूट जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हुई, तो ऑक्सीजन विल गेट ए नेगेटिव चार्ज, तो हमें मिलता है फिनोक्साइड आयन और उस पर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो हमें मिला फिनोल। चलो और एक बार ये रिपीट कर देता हूं किस तरह से हुआ। अब यहां पर इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट हुई किस तरह से, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनता है। जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहां से हाइड्रोजन निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है और हमें मिलता है फिनोल। तो इस तरह से इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन शिफ्ट हुई और हमें दो प्रोडक्ट मिलती है, वन ऑफ द आवर मेन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट फिनोल एंड सेकंड इज इंपोर्टेंट बाय प्रोडक्ट प्योर एसीटोन। सो बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय यूजिंग ए क्यूमीन मेथड, वन कैन प्रोड्यूस फिनोल and whatever phenol obtained, it will be very pure. तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आ गया तो सब लाइक कीजिए और आपके सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए और दूसरे बच्चों को भी इस वीडियो लेक्चर के लिंक पास ऑन करते रहिए। Now in today lecture we will discuss synthesis of phenol by using Grignard reagent, by using Rasing method and from salicylic acid. तो चलो शुरू करते हैं। Now, Grignard reagent. So, when first we are starting with a benzene, हमने benzene लिया. Now, benzene is allowed to react with a magnesium metal in the presence of dry ether as a solvent. So, we are using dry ether as a solvent. So, by reaction between these two, I have taken a starting material chlorobenzene. Instead of benzene, I have taken a starting material chlorobenzene. This chlorobenzene can be obtained from benzene by chlorination of benzene in the presence of FeCl3 and chlorine gas. So, once again, when chlorobenzene is allowed to react with magnesium metal in the presence of dry ether, we get this structure. It is nothing but phenyl magnesium chloride. This phenyl magnesium chloride, whatever obtained to us, is known as a Grignard reagent. So this is phenyl magnesium chloride. Now whatever Grignard reagent obtained to us is allowed to react with oxygen gas. So by using this oxygen gas or by passing oxygen gas, it will be oxidized and we get oxidized product of this phenyl magnesium chloride. Now whatever structure obtained, it's very simple. We have to perform it hydrolysis in the presence of acid. So when we perform hydrolysis, water having a two type of ion, H plus and OH minus. Magnesium having a electronegativity less, it is partial positive charge, oxygen having a partially negative charge. So on during hydrolysis reaction, H will be added on oxygen and OH will be added on Mg. So when H is added on oxygen, we get this structure, benzene ring with a hydroxyl group.
and this is known as a phenol, and by product is obtained as MgOHCl. So once again, chlorobenzene is allowed to react with magnesium metal in the presence of dry ether. So as a result, we get Grignard reagent, which is phenyl magnesium chloride. Now oxidation of this, we get oxidized product of this, and oxygen is added in between magnesium and carbon. Now whatever oxidized product obtained to us undergo hydrolysis in the presence of acid. Water, you get two type of ion, H plus and OH. H is added on oxygen and OH is added on Mg. As a result, we get a phenol. Now, phenol can be produced by using another method, the most important method. It is a Rasching method. Now, in Rasching method, we are using benzene for production of phenol. So, we have to start with first benzene. Now, this benzene is allowed to react with a hydrochloric acid in the presence of copper chloride as a catalyst. We are using hydrochloric acid and copper chloride as a catalyst, and half mole of oxygen gas is passed from this reaction mixtures. So now benzene is allowed to react with a hydrochloric acid in presence of copper chloride as a catalyst and oxygen gas at high temperature. So reaction occurs in this way: one hydrogen from benzene, one hydrogen from hydrochloric acid. This hydrogen reacting with oxygen and remove in the form of H2O, water molecule will eliminate. And this chlorine combined with a ring, this chlorine combined with ring and as a result, we get chlorobenzene. So in a very first step, in Rasching method, benzene when heated with a hydrochloric acid in presence of copper chloride as a catalyst and oxygen gas, we get a chlorobenzene. So here we get this structure, which is known as a chlorobenzene. Now whatever chlorobenzene obtained to us, it is allowed to react with a superheated steam. Now superheated steam means water vapor at a very high temperature, 425 degrees Celsius. We know that water will be present in the vapor form at 100 degree and above this temperature. So when temperature of water vapor is very high, up to 425 degree, so it is a superheated steam. So in chlorobenzene, on reaction with superheated steam, this water ring H and OH, H plus and OH minus and chlorine, negative charge and carbon positive charge. Reaction occurring in this way, chlorine combined with a hydrogen or HCl ke format mein remove hoga. And now hydroxyl group will attach with a carbon. When hydroxyl group attach with carbon, as a result we get a our main product of phenol, and hydrochloric acid is as a byproduct. So benzene in closed container reacted with hydrochloric acid in the presence of copper chloride as a catalyst, and oxygen gas is passed. So we get a chlorobenzene. Now chlorobenzene is allowed to react with superheated steam at 425 degrees Celsius temperature. Chlorine combined with hydrogen removed in the form of HCl, hydroxyl group of water combined with a phenyl ring, and we get a phenol. So by using this method, Friedlich Rasching have prepared phenol industrially. Now third method for the production of phenol, it is from salicylic acid. Phenol from salicylic acid. So salicylic acid structure we are knowing very well. Hydroxyl group and here carboxyl group, C double bond O OH. So now this salicylic acid, this salicylic acid is allowed to react with a, salicylic acid is allowed to react with a soda lime. And you know very well, soda lime is a mixture of calcium oxide and sodium hydroxide. So this mixture is known as a soda lime. Now we add this carboxyl group. This carboxyl group reacting with this 2 mole of sodium hydroxide, and reaction occurring in this way,
OH and H from here, H plus, and from here OH minus, eliminate in the form of water molecule. And remaining part Na, NaO and this CO2 will eliminate in the form of sodium carbonate. It remove in the form of sodium carbonate, and as a result we get phenol in this product. But once again, here our reaction medium is basic in nature. So in basic medium, phenol will be obtained in the form of its salt, and this will be a sodium phenoxide because our medium is basic. So in basic medium, whatever phenol obtained, it will be in the form of its sodium salt. So we get this sodium salt of this phenol compound. So during decarboxylation reaction, here carbon dioxide eliminate, we are heating this thing, sodium carbonate will convert it into carbon dioxide and sodium oxide. So here carbon dioxide is releasing, so it is a one type of decarboxylation reaction. Now salicylic acid on reaction with a 2 mole of sodium hydroxide, from here OH and H remove in the form of water molecule, this one sodium and NaO combine with CO2 and remove in the form of sodium carbonate, and as a result we get a phenol. But phenol in basic medium, it is present in the form of sodium phenoxide. Now whatever solution we have, in the presence of dilute hydrochloric acid or by acidification of this mixture, we get a sodium chloride as a byproduct, and phenol will be obtained as our main product. So by using decarboxylation of salicylic acid, one can prepare phenol by using this method. So my dear students, in today's lecture we have discussed three important methods for the production of phenol. First is by using a Grignard reagent, one can produce phenol. Second, by using rushing method, one can produce a phenol. And third, phenol from salicylic acid. In previous lecture we have already discussed two methods: production of phenol by using a Dow process, or phenol production from benzene sulfonic acid and benzene diazonium chloride. Now only one method remaining, production of phenol by using cumene process. So this we will study in a next lecture. All the best. See you in next lecture.